काय करताय गुड मॉर्निंग मिडाकर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सुबह देर से उठने वालों का नसीब भी उनकी नींद की तरह देर से ही खुलता है वाह 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 मिडाकर आज हम लोग जल्दी उठे आज हमारा नसीब खुलेगा ना अरे ऐसा नहीं होता है गुगी बेटा सिर्फ सुबह जल्दी उठने से नसीब नहीं खुलता है सुबह उठकर पढ़ाई करने से नसीब खुलता है वाह 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 भिड़े अंकल फ्रेंड्स भिड़े अंकल हमें क्या नई नई सीख देते हैं ना सच में फ्रेंड्स कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर भिड़े अंकल हमारे बीच नहीं होते मतलब हमारे साथ अगर इस सोसाइटी में नहीं रह रहे होते अगर उनके सुविचार नहीं होते हम कितने भटक जाते एक्चुअली करेक्ट हो का बरा जाओ जाओ जाके खेलो अभी भिड़े अंकल अभी आपने बोला इसके लिए हम लोग खेलने जा रहे हैं वरना हम लोग पढ़ाई के लिए जाते हो तो जाओ पढ़ाई करो जा जाओ खेलने जाओ नौटंकी गुड मॉर्निंग यार गुड मॉर्निंग सोड़ी सुबह सुबह बाहर से कहाँ से आज संडे है ना तो सवेरे सवेरे नाश्ता लेने गया था तो मसालेदार अमृतसरी छोले उस साथ में पनीर के भटूरे तो घर जाके पटियाला ग्लास लस्सी तो चल साथ में मिलके नाश्ता करते मसालेदार छोले पनीर के भटूरे और पटियाला ग्लास लस्सी ये सब नाश्ता है भाई सुन के पेट भर गया मेरा अरे पिड़ू सवेरे सवेरे की सुविचार लिखे है तू पढ़ पढ़ ए वहा पिड़ू क्या सही सुविचार लिखा है तूने अगर सवेरे जल्दी ना उठो ना तो भटूरे छोले नहीं मिलते खत्म हो जाते ना क्या बोल रहे हो सोड़ी पिड़ू ओए ठंड रख यार मजाक कर रहे थी बहुत ही अच्छा सुविचार लिखा है बिल्कुल अच्छा सुविचार नहीं लिखा है ये तेरा सुविचार नहीं हम जैसे लोगों पर अत्याचार है अभी क्या अभी मिटा ये सुविचार को अरे भाई पोपटलाल क्या हुआ तुम्हें सुबह सुबह क्या बोल रहे हो तुम बिल्कुल सही बोल रहा हूँ तेरा इशारा मेरी तरफ है ये लिख के तेरे कहने का मतलब क्या है मैं सुबह देर से उठता हूँ इसलिए मेरा नसीब देर से खुलेगा इसलिए मेरी शादी देर से होगी अरे शिक्षक होकर तू ऐसे उल्टे सीधे सुविचार कैसे लिख सकता है कल से ही तेरा सुविचार लिखना कैंसिल करवाना पड़ेगा क्या बोल रहे हो पोपटलाल ओए शांत हो जा छाताधारी पप्पू शांत हो जा क्या बोल रहे तू अरे बिल्कुल सही बोल रहा हूँ तू समझ नहीं रहा है सोड़ी ये जानबूझ के सब लिखता है अरे नहीं नहीं वो बात नहीं है अरे ऐसी ही बात है सोड़ी ये मुझे मुंह पर कुछ बोल नहीं सकता है ना इसलिए अपने दिल की काली बात इस काले बोर्ड पर लिखता है सुबह सुबह डिब्बे को क्या हो गया है अर्जेंट मीटिंग बुला के रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा कि तेरा सुविचार लिखना कैंसिल आप ठीक है ना हाँ मैं ठीक हूँ अरे ये पोपट सुबह सुबह कौवे की तरह कहीं कहीं क्यों कर रहे देखिए ना चाचा जी मुझे परेशान करने के लिए ये भिड़ा ने क्या सुविचार लिखा क्या लिखा है इसमें तेरे बारे में क्या लिखा है चाचा जी मैं कभी कभी देर से उठता हूँ ना इसलिए मुझे चिढ़ाने के लिए इसने ये सुविचार लिखा है अरे हम पत्रकार लोग रात रात भर काम करते हैं देर से घर आते हैं तो उठने में सुबह लेट हो जाता है तो इसका मतलब क्या मैं मेरा नसीब कभी नहीं खुलेगा मेरी शादी कभी नहीं होगी अरे ये डिब्बे पहले अपने दिमाग का ढक्कन खोल अरे भिंडी मास्टर ने ये सुविचार उन लोगों के लिए नहीं लिखा है जो काम करते हैं उन लोगों के लिए लिखा है जो काम नहीं करते पूरा दिन घर पे बैठे रहते हैं आराम करते रहते हैं जो आलसी होते हैं और पूरा दिन आराम करने के बाद भी दूसरे दिन सुबह लेट उठते अरे गुजराती में कहावत है राते वेला जे सुए वेला उठे वीर बड़ बुद्धि ने धन वधे सुख मा रहे शरीर कल्ला पोपटलाल बिना जाने बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हो अरे पहले सोचो तो सही समझो तो सही हाँ। अभी समझा कि नहीं हंस तो गए अरे चाचा जी मैं पत्रकार हूँ मैं पहले ही समझ गया था मैं मजाक कर रहा था इसके साथ भिड़े को सताने में बड़ा मजा आता है तू भिड़े के साथ मजाक कर रहा था भागते हुए भागते हुए बचा ऐसे
से मजाक करता है कोई? चाचा जी शांत हो जाइए, पप्पू की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। तू क्यों सॉरी बोल रहा है? सॉरी? हाँ, जिसको बोलना चाहिए तो बोल नहीं रहे, चुपचाप खड़ा है। सही डिब्बे, सॉरी बोल। बोलो बोलो।